केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया। यह आदेश बेंगलुरु की एक विशेष लोक अदालत ने दिया है। अदालत ने सीतारमण के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए उगाही करने का आरोप लगाया है। अदालत ने इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए वित्त मंत्री के अलावा कई दूसरे नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का भी आदेश दिया है। जन अधिकार संघर्ष परिषद यानी कि JSP के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत में शिकायत दर्ज की। इस शिकायत में आदर्श अय्यर ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की। उन्होंने शिकायत की थी कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा धमका कर जबरन वसूली की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया। शिकायत में कहा गया है कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक व्यवसायी अनिल अग्रवाल की फर्म से लगभग 230 करोड़ रुपए और अरबिंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से वसूले गए।